नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र गोयल। दोस्तों, आज अपने देश दुनिया के अंदर बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया खौफ में यानी कि घबराई हुई है। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के दिन हमें हैंड सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, अगर आपके घर में हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, आधा बाल्टी गर्म पानी ले लें और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच नमक मिला लें और इस प्रकार का घोल तैयार करके आप अपने दिन में हाथों को 2 से 3 बार वॉश करें, अपने फेस को भी वॉश करें, अपने पैरों को भी वॉश करें। और दूसरी बात है, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, नज़ले की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम होती है और उनको गले में खराश भी बनी रहती है, तो आप इसके लिए वे लोग नमक का घोल तैयार करके उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के दिन में 2 से 3 बार गरारे करें, ताकि वायरल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में बहुत ही इफेक्टिव है। और लास्ट में दोस्तों, सरसों का तेल जो कि सभी के घर में मिल जाता है, तो सरसों का तेल लाना है। दोस्तों, सरसों के तेल के अंदर किसी प्रकार का वायरस जिंदा नहीं रह सकता है, तो आप सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के अपने हाथों की मसाज करनी है और अपने फेस पे, नाक पे और गले पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से ये एक घरेलू नुस्खा है, जिसकी वजह से आप वायरल इन्फेक्शन का ढंग से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसे आप रोक सकते हैं। तो दिन में ऐसा 2 से 3 बार जरूर करें, बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों, घर बैठे आप इस नुस्खे को जरूर बार बार उपयोग में लें, बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे जरूर यूज करें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।